इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हमारे घर में जो थ्री फेस सप्लाई होता है वो थ्री फेस सप्लाई कैसे हमारे थ्री फेस मीटर में आता है, उसके बाद थ्री फेस मीटर से कैसे सिंगल फेस मीटर कनेक्ट होता है, वो सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर तीन घर है, एक नंबर घर, दो नंबर घर एंड तीन नंबर घर। तीनों घर के लिए अलग अलग सिंगल फेस मीटर यहाँ पर है। हमारा जो लैंप पोस्ट से जो सर्विस मेन आ रहा है वो थ्री फेस फोर वायर आ रहा है, मतलब आर वाई बी एन और उसके साथ एक न्यूट्रल आ रहा है, आकर एक थ्री फेस एनर्जी मीटर में कनेक्ट हुआ है। अब कनेक्शन कैसे होता है थ्री फेस एनर्जी मीटर का वो देखते हैं। थ्री फेस एनर्जी मीटर का कनेक्शन एंड सिंगल फेस एनर्जी मीटर का कनेक्शन अलग होता है। यहाँ पर जो थ्री फेस जो एनर्जी मीटर होता है उसका आठ टर्मिनल होता है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर, सात नंबर एंड आठ नंबर। एक नंबर टर्मिनल में आर इन होगा एंड दूसरे नंबर जो टर्मिनल है उससे आर आउट होगा। तीन नंबर जो टर्मिनल है उससे वाई फेस इन होगा एंड चार नंबर टर्मिनल से वाई फेस आउट होगा। पांच नंबर टर्मिनल से बी फेस इन होगा एंड छह नंबर टर्मिनल से बी फेस आउट होगा। सात नंबर टर्मिनल से एन मतलब न्यूट्रल इन होगा एंड आठ नंबर टर्मिनल से न्यूट्रल आउट होगा। अब ये तो हो गया कनेक्शन थ्री फेस का। अब थ्री फेस से हम सिंगल फेस कैसे कनेक्ट करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले सिंगल फेस को चलाने के लिए क्या चाहिए, एक फेस चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए। अब मैं सबसे पहले इस सिंगल फेस में आर एंड न्यूट्रल कनेक्ट करूँगा। सिंगल फेस एनर्जी मीटर में चार टर्मिनल होता है, तो एक नंबर टर्मिनल में मैं क्या करूँगा, थ्री फेस से जो आर वाला फेस आउट हुआ है वो आकर सिंगल फेस का एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो गया है एंड थ्री फेस का आठ नंबर टर्मिनल से जो न्यूट्रल बाहर निकल के आया है उस न्यूट्रल को लेकर मैं सिंगल फेस मीटर का दो वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब ये हो गया दो टर्मिनल का काम, यहाँ पर हो गया, बाकी रह गया और दो टर्मिनल। तो तीन नंबर टर्मिनल और चार नंबर टर्मिनल से क्या निकलेगा, यहाँ पर सिंगल फेस मीटर में क्या होता है, तीन नंबर जो टर्मिनल होता है उससे न्यूट्रल बाहर निकलता है और चार नंबर टर्मिनल से जो फेस इन हुआ है वही फेस आउट होगा। तो क्या होगा, तीन नंबर टर्मिनल से एन मतलब न्यूट्रल बाहर निकलेगा एंड चार नंबर टर्मिनल से आर फेस बाहर निकलेगा। ये हो गया एक नंबर जो एनर्जी मीटर है उसका कनेक्शन हो गया। अब ये आर वाला फेस एंड न्यूट्रल लेकर हम घर में दे देंगे, उससे वो फैन लाइट कुछ भी चला सकता है, ठीक है। पहला मीटर का कनेक्शन हो गया, अब सेकेंड मीटर देख। सेकेंड मीटर में हम क्या करेंगे, जो वाई वाला फेस है उसे ले आएंगे और उसके साथ एक न्यूट्रल ले आएंगे। तो वाई वाला फेस आकर सबसे पहले हम कहा देंगे, फर्स्ट टर्मिनल जो होगा, जो एनर्जी मीटर का फर्स्ट टर्मिनल है वहां पर हम वाई वाले फेस को कनेक्ट करेंगे एंड सेकंड टर्मिनल में हम न्यूट्रल को कनेक्ट। दो टर्मिनल का काम यहां पर हो गया, बाकी दो टर्मिनल अभी बचा हुआ है। तो थ्री टर्मिनल मतलब तीन नंबर जो टर्मिनल है उससे न्यूट्रल बाहर निकलेगा एंड चार नंबर टर्मिनल से वाई फेस बाहर निकलेगा। तो वाई फेस एंड न्यूट्रल हम घर में दे देंगे, उससे वो लाइट फैन कुछ भी चला सकता है। तो दो नंबर जो एनर्जी मीटर है उसका भी काम हो गया, बाकी जो रह गया है वो तीन नंबर जो एनर्जी मीटर है अभी उसका कनेक्शन देख। तो बाकी बच गया कौन, बी वाला फेस। बी वाला फेस और उसके साथ एक न्यूट्रल लेकर हम यहाँ पर दे देंगे। बी वाला फेस कनेक्ट कहाँ पर होगा, यहाँ पर जो एक नंबर जो टर्मिनल है वहाँ पर हम बी वाले को आकर कनेक्ट कर देंगे एंड उसके साथ एक न्यूट्रल लेकर हम दो नंबर जो टर्मिनल है उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। बाकी रह गया दो टर्मिनल, तीन नंबर जो टर्मिनल है उससे न्यूट्रल बाहर निकलता है एंड चार नंबर टर्मिनल से बी फेस बाहर निकलेगा। तो बी और एन हम दोनों घर में सप्लाई दे देंगे, आप उससे वो लाइट फैन कुछ भी चला सकते। यही होता है कनेक्शन सप्लाई से थ्री फेस एनर्जी मीटर, थ्री फेस एनर्जी मीटर से सिंगल फेस एनर्जी मीटर का कनेक्शन यही है। अगर आप ऐसे ही कनेक्शन और 3D वीडियो ऐसे ही देखना चाहते हो तो नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबा दो, क्योंकि मैं जैसे ही नया वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।